हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जून 2020 टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट का आज 17th अपडेट पब्लिश कर दिया है। सो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट 16th अपडेट तक डिक्लेयर नहीं किया गया था, वो लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। देखो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया। यहाँ पे अभी आप लोग स्टेटस देख सकते हो कि 11 नवंबर तक शो कर रहा है, जो कि पहले 10 नवंबर तक शो कर रहा था, यानी कि एक दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है। लेकिन इसमें भी बहुत से सब्जेक्ट के रिजल्ट अपडेट किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि आज ग्रेड कार्ड भी बहुत दिनों बाद अपडेट कर दिया गया है। लास्ट ग्रेड कार्ड अपडेट 29 अक्टूबर तक किया गया था, उसके बाद से कोई भी ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन अभी ग्रेड कार्ड 11 नवंबर तक अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट का मार्क्स इससे पहले अपडेट किया गया था, वो सभी ग्रेड कार्ड में भी ऐड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिनका जिनका असाइनमेंट में रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था, उनका उनका मार्क्स भी ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग चेक कर लो कि असाइनमेंट का मार्क्स भी आपका अपडेट हो गया होगा ग्रेड कार्ड में। सिर्फ बीएजी बीकमजी और बीएससीजी के स्टूडेंट को अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनका पोर्टल नहीं बनाया गया है, इसलिए उनको अभी मार्क्स बाद में पता चलेगा। जब यहाँ पे पोर्टल बना दिया जाएगा, उनका जो सेक्शन आ जाएगा, तब ग्रेड कार्ड में आपका मार्क्स शो करेगा, जो असाइनमेंट का मार्क्स आपका पेंडिंग है। बाकी सभी लोग अपना अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हो। यहाँ पे सबूत के तौर पे मैं एक स्टूडेंट का दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे उनका एएनसी 1 का मार्क्स अपडेट हुआ है, 151 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 11 नवंबर तक शो कर रहा है। तो आप लोग भी रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अब मैं आप लोग को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। एसीसी 1 एनसी 1 का अपडेट हुआ है, एमपीवाई 002 के अपडेट हुए। आज काफी अलग अलग सब्जेक्ट के भी रिजल्ट देखने को मिले मुझे। एमएलआईई 103, ये सिर्फ एक शिलोंग का स्टूडेंट थी, उनका मार्क्स अपडेट किया गया है। उसके अलावा एमजी 08 के अपडेट हुए हैं, बस एक ही अपडेट मिला है। उसके अलावा भी अगर हुआ होगा एमजी के किसी स्टूडेंट का, तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बीसीएस 041 का अपडेट हुआ है, जो बीसीए का पेपर है। बीएसएचएफ 101 और एफएससी 01 हर एक अपडेट में होते हैं, इस अपडेट में भी हुआ है। एमसीओ 107-05 के अपडेट हुए हैं, लेकिन अभी भी एमसीओ 07 का बहुत से स्टूडेंट का पेंडिंग भी है, तो टेंशन की बात नहीं है, फ्राइडे तक अपडेट होगा। आईबीओ के आईबीओ 06 और 02 अपडेट हुए हैं। एलएसी का सिर्फ एक ही अपडेट देखने को मिला है, एलएसी 03। एमडी 005 अपडेट हुआ है, लेकिन सिर्फ जो स्टूडेंट का मैंने देखा है वो दिल्ली 3 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा अदर रीजन का मैंने नहीं देखा है, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। बाकी जो ओएमआर सीट पे एग्जाम हुए थे, टीएस 01-03-06-07, ये सब टूरिज्म के पेपर हैं, तो उनका मार्क्स अपडेट किया गया है आज। पीएचई 4 के अपडेट हुए हैं, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में एमईसी 108 के अपडेट हुए हैं, बीजी 104, ईपीएस 9, ईपीएस 07, ईएचआई 5, ईएचआई 02, ईएचआई 1, ये सब भी आज अपडेट देखने को मिले हैं। उसके अलावा सोशियोलॉजी के पेपर में ईएसओ 12, ईएसओ 13 के अपडेट हुए हैं। एमटीटीएम के आज अपडेट देखने को मिले हैं, एक एमटीटीएम 02 का अपडेट हुआ है। डीएनएचई का भी आज एक अपडेट देखने को मिला है, 01 अपडेट हुए हैं। बीपीसीएचएन जो एक प्रोग्राम है, उसका बीएनएस 014 और 015 ये अपडेट हुए हैं। केमिस्ट्री में सीएचई 10, सीएचई 06, 04, 05 अपडेट हुए हैं। बीपीवाई 007 भी अपडेट हुए हैं, और इको के पेपर में इको 3, इको 12 और इको 9 अपडेट हुए। तो ये सभी सब्जेक्ट मुझे आज के अपडेट में देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट का अपडेट हुआ होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रिजल्ट अभी डेली ही अपडेट हो रहा है, तो होपफुली फ्राइडे तक अपडेट हो जाएगा आप लोग का, जिसका भी पेंडिंग होगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को 17th अपडेट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी उसके बारे में मैंने बताया, और ग्रेड कार्ड आज अपडेट हो गया है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये सब इन्फॉर्मेशन मिल पाए। रिजल्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।